Hi friends, welcome to my channel English with Anjali Rajesh. Our today's topic is the forms of to be. आप लोगों ने to be, forms of to be ये सुना होगा. ये एक बहुत ही important topic है English grammar का. Friends, कई बार क्या होता है हम लोग बहुत बड़े-बड़े topics और बहुत important topics पे ध्यान देते हैं, तब ये छोटे-छोटे topics हमारे ध्यान में से निकल जाते हैं. लेकिन फॉर्म्स ऑफ टू बी ये एक बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं. फॉर्म्स ऑफ टू बी, जैसा कि आप देख सकते हैं टू बी का जो मीनिंग है वो क्या है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं. टू बी का मतलब होता है कुछ बनना, कुछ होना. जैसे कि मैं बोलू मैं इंग्लिश टीचर हूं या मैं इंग्लिश ट्रेनर हूं, तो इसमें एक चीज है कि मैंने कोई एक्शन नहीं बताया है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं क्या हूं. जब हम कुछ होने, कुछ बनने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो टू बी फॉर्म कहलाता है. अब टू बी का मतलब होता है कुछ होना, कुछ बनना, तो वो तीनों टेंस में हो सकता है. प्रेजेंट में हम बोलते हैं मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा नाम एक्स वाई जेड है, तो हम क्या बोलते हैं ये मैं हूं, या हम बोलते हैं मैं ये था. जैसे हम बोलते हैं भाई मेरे जो दादाजी हैं वो पुलिस ऑफिसर थे, दैट मीन्स होना लेकिन पास्ट में. कई बार हम बोलते हैं, हम किसी को पूछते हैं कि आप इन फ्यूचर बड़े होके क्या बनेंगे, तो सामने वाला बंदा हमको जवाब देता है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा. सो मैं कुछ होऊंगा, मैं कुछ बनूंगा. मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि हम तीनों टेंस में बात करते हैं, कुछ है, कुछ था, कुछ होगा. कुछ बना है, कुछ बना था, कुछ बनेगा. हुआ था, हुआ है, होगा. सो उसके लिए जो टू बी है उसके तीन फॉर्म होते हैं, एक पास्ट फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म होता है, एक फ्यूचर फॉर्म होता है. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म की, वर्तमान के टेंस की, तो इसमें आपको देखना है उसका मतलब होता है बना है या हुआ है. तो इसमें आपको जो टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है वो होते हैं एम इज आर. प्लीज ध्यान दीजिएगा टू बी के प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन से हैं. तो टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है एम इज आर. उसी तरह से पास्ट फॉर्म की बात करें तो कुछ था, कुछ बना था या कुछ हुआ था, यानी आप यूज करते हैं वॉज और वेर. सो टू बी के पास्ट फॉर्म क्या हो गए, टू बी के पास्ट फॉर्म हो गए वॉज और वेर. इसी तरह से हम बात करते हैं फ्यूचर फॉर्म्स की, भविष्यकाल में कुछ होगा, कुछ बनेगा. सो उसके लिए हम यूज करते हैं विल और शैल के साथ बी. तो आप जब भी ऐसा किसी को बोलना चाहें कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, तो आपको बोलना चाहिए आई विल बी अ डॉक्टर, या मेरा भाई बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, सो माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर. मतलब कुछ होगा, कुछ बनेगा, सो विल बी और शैल बी. अब एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, है बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल, शायद आपको पता भी है, सिर्फ हम टैली करते हैं. यहां पे हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीन टेबल अलग अलग बनाए. हम आई के साथ एन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंग्लिश टीचर. हम पास्ट में आई के साथ वॉज यूज करते हैं. आई वॉज वेरी नॉटी इन माई स्कूल डेज, सो आई वॉज. इन फ्यूचर आई विल बी या आई शैल बी. यहां भी हमें क्लैरिफाई, एक चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं, विल और शैल वो दोनों आई के साथ यूज अभी हो सकता है मॉडर्न इंग्लिश में,
वैसे इसका एक अलग ही रूल है कि आई के साथ शैल यूज होता है और विल यूज नहीं होता है, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश अभी हम विल बी यूज करते हैं। सो आई विल बी, आई शैल बी। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में वी के साथ हम यूज करते हैं आर, पास्ट में हम वी के साथ मतलब इन प्लूरल फॉर्म हम यूज करते हैं वेयर, फ्यूचर में हम वी के साथ विल बी या शैल बी में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हम इज यूज करते हैं, ही इज, शी इज, माय ब्रदर इज। इसी तरह से पास्ट में हम वाज यूज करते हैं, ही वाज, शी वाज, माय सिस्टर वाज। और इसी तरह से फ्यूचर में हम ही, शी, इट या सिंगुलर कोई भी पर्सन के साथ हम विल बी ही यूज करते हैं, शैल बी यूज नहीं कर सकते हैं। सो हम बोलते हैं ही विल बी, शी विल बी, इस तरह से। अब जो टू बी है उसका एक और फॉर्म आता है बीन, वो वी थ्री बोला जा सकता है या पार्टिसिपल फॉर्म बोला जा सकता है, जो पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है। और एक होता है बीन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो आपको ये टू बी के फॉर्म्स याद रखने हैं और टू बी के इन फॉर्म्स को अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स जहां जरूरत पड़े वहां आपको इसका यूज करना है। आई होप कि आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लग रही होगी और जो जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर सच में मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिससे मैं थोड़ी सी इनकरेज होंगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्लेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।